हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनसीएल सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनसीएल सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के बारे में टोटल हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पसंद ना आए तो डिसलाइक करके बताएं। हाँ सर, इसलिए मैंने डिसलाइक किया है। ठीक है दोस्तों, डिसलाइक है तो रीजन जरूर बताएं। दोस्तों आज हम बात करें, जैसे हेमा ऑपरेटर के जैसे पोस्ट जो है निकले हुए थे ना, और जो है वैकेंसी अच्छी खासी है और बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया है। टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए उसके लिए भी एक वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में और इसके बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में कि एक पोस्ट आप कैसे पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले हम आपको ले चलते हैं सिलेबस की तरफ, उसके बाद स्ट्रेटजी बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो पढ़ना पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना वो अगर आप जान गए ना तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देख लीजिए, जनरल इंग्लिश के दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। कैसा है दोस्तों? ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। कैसा है ये जो सिलेबस है दोस्तों? प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसी के अकॉर्डिंग से पहले क्वेश्चन आए थे, सेम टू सेम इसी के लगभग में। ठीक है, तो हम इसी की बात करेंगे और स्ट्रेटजी की बात करेंगे और आपके लिए क्लासेस कौन सी वो सब बात करने वाले हैं। जनरल इंग्लिश का दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। जनरल हिंदी में 5 से 6 क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या पूछेगा, ऐसे हो गया आपके ग्रामर से कुछ बेसिक से रूल होंगे। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 9th एंड 10th की जो है इंग्लिश और हिंदी कवर कर लेंगे दोस्तों। जैसे कक्षा 9 और 10 की जो बुक होती है एनसीईआरटी की, आप उसे दोस्तों कवर कर लेंगे ना, तो यहाँ से आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बात करेंगे ट्रैफिक रूल से। दोस्तों ट्रैफिक रूल से सिर्फ 12 to 14 क्वेश्चन आता है। ट्रैफिक रूल से दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं? 12 से 14 क्वेश्चन। ये जो है ट्रैफिक रूल्स वाले जो क्वेश्चन है, सिग्नल जो है, सिग्नल वाले क्वेश्चन हो गए, ट्रैफिक रूल्स वाले क्वेश्चन हो गए, तो ज्यादा इसमें टफ नहीं होता। थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे ना तो फिर काम चल जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज है, आप लिखिएगा ट्रैफिक रूल्स क्वेश्चन तो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा तो फिर वहां से काम हो जाएगा। अगर नहीं भी होता फिर कमेंट करिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा ट्रैफिक रूल्स का। ओके, फिर रीजनिंग देखा गया 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4, 5 से 6, कभी 6 से 7, इस तरह से क्वेश्चन नियर अबाउट रहता है दोस्तों। ठीक है, अब रीजनिंग में ज्यादा आपको नहीं माइंड लगाना कि हम पूरा रीजनिंग ही पढ़ लें। वैसे जो कंपटीशन की तैयारी करता है ना, उसका रीजनिंग काफी स्ट्रांग होता है, तो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब बात करेंगे, ये हमारा मेन पोर्शन है दोस्तों जीके एंड सीए का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ एनसीएल में रहने वाला है, जिसका सिलेक्शन होगा दोस्तों, जिसका भी सिलेक्शन होगा ना, ये जान लीजिए उसका उसका जीके एंड सीए काफी मजबूत हुआ होगा। यानी कि जिसे सिलेक्शन लेना है दोस्तों, जिसे क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है ना, तो उसे जीके एंड सीए पे काफी डिमांड बनाना पड़ेगा। डिमांड मतलब होता है आप सभी को काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, किस पर? जीके एंड सीए पर, यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर पर। जी हाँ दोस्तों, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर पर अगर आप फोकस करते हैं ना, तो आपकी एक वैकेंसी दोस्तों आप सभी के क्या हो जाएगी, हाथ में आ जाएगी, इफ यू आर वर्क हार्ड। ठीक है ना, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपकी एक यहाँ पे सिलेक्शन की मेन जिम्मेदारी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के पास है। दोस्तों इसको हम कवर अप कैसे करेंगे अभी लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है ना, साइंस के दोस्तों 16 से 18 क्वेश्चन ज्यादा ही है। साइंस के दोस्तों 16 से 18 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ्स की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन, 15-16 लगभग, मतलब तो मैथ्स के जो है 15 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन मैथ्स का आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो मैथ में आपका हो गया क्या, एज रिलेशन क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, कुछ मतलब मिक्स करके रहता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, तो आप इसे मैथ में इजिली कर सकते हो दोस्तों। और उसके लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ आप सभी के लिए दोस्तों, क्लासेज लाने वाला हूँ, तो आप सभी कमेंट करिएगा कौन सी क्लासेज आपको सबसे पहले चाहिए, वो क्लासेज मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, जनरल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, जनरल नॉलेज की, यहाँ पे तो हम जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दें आप सभी को। ध्यान से देखिएगा, जनरल नॉलेज में क्या होता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसके बाद स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियो हो गया मतलब भूगोल हो गया, यानी कि पॉलिटी मतलब जो भी होता है, पॉलिटी राजनीति, राजनीति शास्त्र आपको, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, कला और संस्कृति, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको दोस्तों पढ़ना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है।
पढ़ना कैसे है टोटल चीजों को देख लीजिए। अब यहाँ पे पढ़ना ऐसे है दोस्तों, आप अभी जो है ना कंसेप्ट वाइज क्लास जो है लीजिए, कंसेप्ट वाइज क्लास बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है, उनको आप सभी लोग देख लीजिए। कंसेप्ट वाइज रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला, अब वो जमाना चला गया कि रट्टा मारने से पास हो जाते थे बच्चे, नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, कंसेप्ट वाइज क्लास लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सभी लोग क्या करिए देखते रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लासेस इसके लिए चलेंगे वो भी देख लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कंसेप्ट वाइज क्लास भी लीजिए, और उसके साथ साथ जो लूसेंट की बुक होती है ना, लूसेंट की जो बुक होती है आप उसको भी पढ़िए, ठीक है ना। लूसेंट की जो बुक होती है आप उसको भी पढ़िए, प्लस नाइन्थ एंड टेंथ की जो जीके की बुक होती है, जीके मतलब क्या सामाजिक विज्ञान आपने देखा, सोशल साइंस की बुक होती है दोस्तों, वह भी पढ़ लीजिए, काफी कामगार साबित होगा, रामबाण साबित होगा। और जनरल साइंस के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नाइन्थ एंड टेंथ की, ठीक है ना, नाइन्थ एंड टेंथ की जो है जो साइंस की बुक आती है ना एनसीईआरटी बेस, आप दोस्तों उसे पढ़िए ना, आपका यहाँ से 16 से 18 नंबर जो भी है ना वो आप सभी का दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यह ये सब स्ट्रेटेजी दोस्तों, आप सभी को ज्यादा एग्जाम पाना है ना, एग्जाम सिक्योर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क की दोस्तों जरूरत पड़ेगी, हार्डवर्क नहीं बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देख लीजिएगा जनरल, और हाँ करंट अफेयर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों जनवरी से लेकर आप सभी जब तक एग्जाम नहीं होता नवंबर के आसपास वैसे एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है, कहाँ से नवंबर के आसपास एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है, तो आप सभी को जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर दोस्तों पढ़ना है। और हाँ करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, किसी पीडीएफ करंट अफेयर की पीडीएफ चाहते हैं और मतलब कुछ मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप हमारे दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में क्या हो जाइए ऐड हो जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, कहाँ पर जिसका की डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां पर ऐड हो जाइए, फिर वहां से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने लगी। चलिए दोस्तों वीडियो कैन करते हैं, और हाँ आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर कि कौन सी क्लासेज आप चाहते हैं, मैथ की क्लास चाहते हैं या रीजनिंग की या जीके एंड जीएस की या इंग्लिश की ट्रैफिक रूल्स की, जो भी क्लासेज आप चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कमेंट करिएगा। और आपकी क्या राय इस वैकेंसी के बारे में, आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, आपकी क्या राय तैयारी कैसे चल रही है, और आप क्या एक सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो कमेंट अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कमेंट में ऐसे जरूर लिखे, और जय हिंद जय भारत प्यार से कमेंट कर दे दोस्तों, जो मेरे से नई बार मतलब पहली बार जुड़ रहे हैं जय हिंद जय भारत कमेंट दोस्तों जरूर कर दे, उससे क्या होता है मुझे पता लग जाता है ये स्टूडेंट मेरे जुड़े। चलिए वीडियो कमेंट करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कर, थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग, और जल्दी मिलते हैं एनसीएल से सारे अपडेट्स को लेकर, ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।